हाँ तो जानिए लोग, आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिटी स्टैंडर्ड की। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करते हो, ये देखिए, जब आप यहाँ पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का अकाउंट यहाँ पे गया होता है तो अगर आप उसको चेक करते हो, यहाँ पे कन्फर्म आइडेंटिटी आता है। यहाँ पे जब आप ओके करते हो तो देखिए यहाँ पे आपको ये इशू ज़रूर आता है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग को ये इशू आ रहा है। यहाँ पे देखिए, ये कन्फर्म करना है, ये देख कम्युनिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो मैं इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो ये इस पर काफ़ी सारी आपको वीडियो मिली होगी, लेकिन यहाँ पे एकदम न्यू वर्किंग आपको लिंक देने वाला हूँ। तो उसके लिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो यहाँ से यार सब्सक्राइब का आइकन दिखेगा, आप प्रेस कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना और यहाँ पे ऑल कर देना, ताकि आप कोई भी अपडेट यहाँ पे मिस ना करो। काफ़ी सारी वर्किंग ट्रिक आपको मैंने डाल के रखी है, तो उनको ज़रूर देख लेना एक बार। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करना है कम्युनिटी स्टैंडर्ड, सबसे पहले आप यहाँ पे, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से सीएम ब्राउज़र का यूज़ करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो आपको सीएम ब्राउज़र अपना ओपन कर लेना है। सीएम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके इसका डाटा क्लियर कर लेना है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे अपना डाटा क्लियर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फेसबुक पे सर्च करना है। ठीक है, आप चाहे फेसबुक पे अपना अकाउंट लॉगिन करके कर सकते हैं या डायरेक्ट आपको लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आपको सिंपली उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से मैं लिंक ले लेता हूँ, मैं ले जाके वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आपको सिंपली सीएम ब्राउज़र का यूज़ कीजिए, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। ठीक है, आप सीएम ब्राउज़र का यूज़ करना। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको चूज करना है, यहाँ पे देखिएगा हाउ डज फेसबुक रिस्पॉन्ड योर लीगल रिक्वेस्ट। ठीक है, इस पर आपको यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने अकाउंट का नाम लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना अकाउंट का नेम एंटर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ईमेल ऐड नहीं होता, तो मैं आपको पहले से यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपके यहाँ पे ईमेल ऐड नहीं है तो आपका अकाउंट कभी ओपन नहीं होगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल, अपना ईमेल यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे अपना ईमेल कॉपी करके पेस्ट कर देना और यहाँ से सेंड कर देना है। जैसे यहाँ पे आपको सेंड होगा, ये देखिए आपको यहाँ पे एक कोड आ जाएगा। ठीक है, आपको इसको अपना कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है, सबमिट करना है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको यहाँ पे स्मॉल लेटर में है यू, ठीक है, कैपिटल लेटर में टी, यहाँ पे कैपिटल लेटर में एच है, ठीक है, फिर थ्री, फिर ए, फिर ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर इंटर कर देना है। ठीक है, ये देखिए, जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पर थैंक्स फॉर कनेक्टिंग फेसबुक। ठीक है, इतना करने के बाद आपको सिंपली आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको आपके ईमेल पर आना है। ठीक है, आपके मेल पर आना है, आपको अपने ईमेल पर आना है। ईमेल पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सेंड का। ठीक है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। ठीक, एडिट का ऑप्शन, फिर आपको यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको फेसबुक को या मेल करना पड़ेगा। ठीक है, मेल का आप मेल आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपको मेल कहाँ पे करना है, इन्फो ये है, आपको इसकी दिक्कत नहीं लेना, आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सल कॉपी ऐप से। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, यहाँ पर डन कर देना। अब सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट में आपको कन्फर्म योर आइडेंटिटी। ठीक है, आपको ये कॉपी करना, ये भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में डालकर यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक अपील लिखनी है। ठीक है, छोटी सा अपील है, आपको इस पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना प्रूफ सबमिट कर लेना है। देखिए, यहाँ से आपको अपना प्रूफ अटैच करना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अटैच ऑप्शन का आ जाएगा। ठीक,
इतना करने के बाद आपको यहाँ पे अपना प्रूफ अटैच करना है, और सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे सेंड का, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ से कर देना है सेंड, ठीक है। आप जैसे इसको सेंड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से अपना यहाँ पे ईमेल ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है आपका ईमेल गया या नहीं, ठीक है। आपको सेंड बॉक्स में जाना है, ठीक है। सिंपल सा आपको वेट करना है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे मेरा नेट स्लो है। ये देखिए ये जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे अपना यहाँ पे सबमिट करोगे, ये देखिए, ठीक है, मैं आपको बता, जैसे आप यहाँ पे सबमिट करोगे आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपको रिव्यू आ जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपका प्रूफ रियल है तभी यहाँ पे आएगा अकाउंट आपका बैग, ठीक है, वरना नहीं आएगा। इसकी यही एक न्यू ट्रिक है, तो वर्किंग ट्रिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, और तब तक के लिए बाय बाय।